में पहली बार भोपाल के हितात विषय रखने का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से भोपाल संसदीय क्षेत्र के मतदाता, जो मैं हमेशा कहता हूं मतदाता मेरा भगवान, को हृदय से गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने मुझ पर भरपूर विश्वास व्यक्त किया और मुझे इस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में यहां बोलने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, भोपाल जो कि राजा भोज की नगरी झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, पुराने भोपाल स्थित जुमेराती हनुमानगंज का दाल चावल किराना मार्केट भोपाल की 20 लाख की से ज्यादा की आबादी को और साथ में आसपास के क्षेत्र को भी और जो शहर कस्बे वहां पर भी राशन उपलब्ध कराता है। पिछले कई वर्षों से शहर का घनत्व तो बढ़ रहा है, लगभग भोपाल की आबादी 20 लाख से अधिक हो चुकी है, साथ ही आने वाले 10 वर्षों में लगभग 40 लाख के आसपास की आबादी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आबादी बढ़ने के कारण और क्षेत्र के घनत्व बढ़ने के कारण वहां पे जो ट्रकों के माध्यम से आवागमन माल की ढुलाई उतराई होती है, उससे आवागमन भी बाधित है, साथ में दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भोपाल के निकटवर्ती क्षेत्र मुबारकपुर से मिसरोद वाले नए बाईपास मार्ग पर आधुनिक सुविधाओं युक्त थोक बाजार प्रस्तावित है, जिसके लिए माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी से ही मैंने चर्चा की है। महोदया, भविष्य में यदि सूखी सेवनिया से मंडीदीप अब्दुल्लागंज के लिए रेलवे गुड्स ट्रैफिक का बाईपास प्रस्तावित होता है तो उसका लाभ थोक व्यापार को केंद्र को मिलेगा ही, साथ ही भोपाल से जा रही गुड्स ट्रेन सीधे सूखी सेवनिया से अब्दुल्लागंज को यदि जाती हैं तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता कम नापेंगी। भोपाल में स्टॉपेज न देने से लगभग 1 से 2 घंटे का रनिंग टाइम भी बचेगा। करोड़ों रुपए का माल ढोकर ले जाने वाली ट्रेनों का समय बचता है तो रेलवे की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। अतः सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस सुझाव को स्वीकार करेंगे और भोपाल की जनहितार्थ सर्वे कराकर मेरे इस सुझाव को मान्यता देंगे। धन्यवाद।